बच्चों, बहुत ही मज़ेदार एक कहानी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग बंदर वगैरह की कहानी कभी सुने हैं? इसी संबंधित है, बहुत ही अच्छी, और उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत मज़ा भी आएगा। तो स्क्रीन पर ध्यान से आप लोग बस देखते जाइए, सुनते जाइए। तालाब में चांद, इस कहानी का शीर्षक है तालाब में चांद। ठीक है, मतलब चांद जो है तालाब में आ गया तो क्या होगा। बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। एक बार की बात है, बंदर थे, कुछ पेड़ पर बैठे थे, नीचे तालाब था, उसमें चांद को देखा बंदरों ने। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चांद को पकड़ें। उसमें से एक बोला, अरे देखो तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। उसमें से एक बोला, अरे देखो देखो तालाब में चांद आ गया है, चलो अब हम लोग इसको पकड़ते हैं। एक बंदर चांद को पकड़ने को कूदा, एक बंदर ने क्या किया कि चलो पकड़ने के लिए जल्दी से उसी पानी में कूद गया, पर चांद हाथ नहीं आया। पर क्या हुआ, चांद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया। फिर दूसरे ने कहा, अरे कहाँ गायब हो गया चांद, लगता है मेरे कूदने से डर गया। और बंदर बोला लगता है कि मेरे कूदने से डर गया। फिर उन्होंने एक योजना बनाई, सभी बंदरों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक प्लान बनाया, चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर लटकते हैं। ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि वो जानते हैं कि हम कूद रहे हैं तो भाग जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि चुपके चुपके चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ लें और उसको हम लोग नीचे जाकर धीरे धीरे पकड़ लेंगे, और धीरे धीरे से पकड़ते हैं चांद को। तो उन्होंने योजना जो बनाया कि चलो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर धीरे धीरे उसको चांद को हम लोग पकड़ लेते हैं। अचानक डाल टूटी। अब जब बंदर एक डाल को पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर सभी बंदर लटक गए। जैसे देखिए चित्र में दिखलाया गया है, एक दो तीन, तीन बंदर थे। और देखिए एक इसने डाल को हाथ में पकड़ा है, उसके हाथ उसको दूसरे ने उसके हाथ को पकड़ा है, तीसरे ने उसके हाथ को। अब जैसे ही ये लटके, अचानक डाल टूट गई, एक बंदर का हाथ छूटा, फिर एक बंदर का उसमें से हाथ छूटा, और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। और नीचे मगरमच्छ भी था, वो देख रहा था इन लोगों को, और सभी धड़ाम से उसके ऊपर गिर गए। भागो रे, एक बंदर बोला अरे भागो भागो, डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। बंदर बोले, मगर अगर ठीक है तो उसमें से जो मगरमच्छ था वो बोला, अरे डरो नहीं, मेरी पूंछ पकड़ लो, ठीक है। और इस प्रकार से वो उन लोगों को बाहर निकाल दिया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। अगर आप लोगों के पास भी इसी से संबंधित कोई कहानी हो तो आप लोग ज़रूर उसको अपने घर में किसी को सुनाएं। धन्यवाद।